नमस्कार वे दोस्तों, मनु भाकर ने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। मनु भाकर हरियाणा की बेटी, उसी जाति विशेष की जिस जाति विशेष को टारगेट किया गया था। प्रधानमंत्री साहब ने फोन मिलाया, स्पीकर ओपन किया, पूरी वीडियोग्राफी हुई। ये देखो जी, प्रधानमंत्री साहब ने बधाई दे दी। आज पहली बार ऐसा हुआ होगा बधाई दे कभी कोई फंसता है, और हमारे प्रधानमंत्री साहब तो हर जगह पर फंसते हैं। पर चाहिए, मानते हैं खुशी का माहौल है, पूरे देश में खुशियां हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी बधाई देते थे, जब बाहर से कोई मेडल आता था, विशेष तौर पर ओलंपिक में अगर मेडल आता है तो सभी बधाई देते हैं। लेकिन उस बधाई के पीछे छुपी हुई मनसा को भी तो समझना चाहिए ना। आपको याद है यही मनु भाकर जिसने देश को पहला मेडल दिलाया पेरिस ओलंपिक के अंदर, इसी मनु भाकर ने ना 29 अप्रैल 2023 को एक ट्वीट किया था। सुनना थोड़ा ध्यान से। आई एम डीपली पेंड टू सी द सिचुएशन ऑफ माई फेलो एथलीट्स रेसलिंग्स हु हैव मेड नेशन प्राउड मेनी टाइम्स बाई विनिंग मेडल्स एंड आर नाउ सिटिंग ऑन द रोड्स टू सिक जस्टिस। आई स्ट्रॉन्गली स्टैंड विद माई फेलो एथलीट्स एंड रिक्वेस्ट फॉर अप्रिशिएशन ऑफ द कंप्लेंट। इन्होंने कहा था, मुझे बड़ा गहरा इसे दुख होता है कि हमारे साथी खिलाड़ी, वो एथलेटिक्स खिलाड़ी, वो कुश्ती वाली महिलाएं जो रोड के ऊपर बैठी हुई हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उनके लिए ना जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए। क्या हुआ, ब्रजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन? उस टाइम पर प्रधानमंत्री साहब के पास फोन ही नहीं था। समस्या ये थी ना, उस टाइम पर प्रधानमंत्री साहब के पास फोन नहीं था, तो कैसे मनु भाकर को फोन करके ये बताते कि भाई ठीक है उनका कुछ करेंगे। उस टाइम पर तो ये भी भूल गए थे प्रधानमंत्री साहब कि उन्होंने जो विनेश फोगाट थी उसको अपनी बेटी कहा था, अपनी बेटी कहा था। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री साहब की बेटी को रोड के ऊपर पुलिस वाले घसीट रहे थे, तब शर्म नहीं आई? थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई? नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर जनता ऐसी है, इसको आए दिन एक नया तमाशा चाहिए। आए दिन 2023 को भूल गए, 2023 में खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ भूल गए, उससे पहले किसानों के साथ क्या हुआ वो भी भूल गए। अब बुला रहे नेताओं को, बुला रहे हैं, पूरा मान सम्मान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतनी जल्दी भूल जाते हैं। इस या तुम्हारी याददाश्त का फायदा है ना ये नेता लोग उठाते हैं। और हाँ, सबसे अच्छा जवाब दिया कृति आजाद ने जो बोला ना संसद के अंदर, वो सबसे जबरदस्त जवाब था। शर्म आनी चाहिए, ये पूरी सरकार को शर्म आनी चाहिए, या पहले भी जो सरकारें रही उनको भी शर्म आनी चाहिए। बधाई देने के लिए तो सबसे आगे हो जाते हो, बड़ी जल्दी फोन मिलाते हो, बोलते हो ठीक वीडियोग्राफी होनी चाहिए, स्पीकर ऑन होना चाहिए। जब तक नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल नहीं लेके आया था ओलंपिक के अंदर, कोई जानता था नीरज चोपड़ा कौन है? जानता था? कभी किसी सरकार ने, किसी मंत्री प्रधानमंत्री ने बात की थी? यहीं पर शामिल आता 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला कुंवर अमृतवीर सिंह, उसको कोई नहीं पूछ रहा। अगर वही ओलंपिक में मेडल लेके आता तो उसके पास फोन चला जाता, उसका नंबर तक निकल आता। यही समस्या है हमारे देश की। सुनो जो कृति आजाद ने बोले ना, अगर फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती हैं तो तुम्हारी आंखें जिंदगी भर नहीं खुल पाएंगी, जिंदगी भर। सुन लो जो बोल रहा। क्योंकि खेल और खिलाड़ी की कोई जात और मजहब नहीं होती, इसलिए राजनीतिक लोग भी इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। अभी संजय जायसवाल जी है कि चले गए? वो बोल रहे थे जब हम बात करेंगे तैयारी की तो आपको तो दर्द होगा, विरोध विपक्ष को दर्द तो होगा। मुझे मालूम नहीं उनको या उनकी पार्टी को तब दर्द हुआ था जब हमारी महिला कुश्ती बेटियां और बहन थी जिनके साथ अत्याचार हुआ था और वो त्राहिमाम कर रही थी, तब किसी की आवाज़ नहीं उठी थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं भी क्रिकेट खेला, भारत के लिए विश्व कप 1983 में जीता। हमारे साथ में यूसुफ पठान बैठे हुए हैं जो 2011 में विश्व कप भारत के लिए जीते, हमारे कप्तान, फुटबॉल के भारत के कप्तान बैठे हुए हैं, पद्मश्री लिए हुए प्रसन्न बैनर्जी सब यहाँ बैठे हैं। मुझे भी याद है जब मैं छोटा था और समय क्रिकेट में पैसा नहीं था तो हम लोग थर्ड क्लास ट्रेन की बोगी में जाया करते थे। टॉयलेट के सामने सामान टॉयलेट में पड़ा हुआ होता था और हम लोग बैठे रहते थे और जाते थे। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तो शायद अपना ही है, किरण रिजिजू जी आप तो मंत्री रहे हुए हैं, वही SGFI ले जाया करती थी हमें। आज भी परिस्थिति सभापति महोदय वही है हमारे एथलीट्स की, क्रिकेट की तो नहीं लेकिन हमारे एथलीट्स की। आज भी हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है, जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूँ, ये टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है। हम बात करते हैं हमारी प्रिपेरेडनेस क्या है। अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। ओलंपिक्स की तैयारी, खेल लोग समझते खेल ऐसा ही है, जब से टेलीविजन पर यह खेल आना शुरू हुआ है और 30 कैमरों से क्रिकेट को अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है, लोग मुझे सिखाने लगे हैं क्रिकेट कैसे खेला जाता है, उनको मत ट्राई करने में कि मैं फ्रंट फुट पर जाऊं, बैक फुट पर जाऊं, हुक करूं, कट करूं, पुल करूं। खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने हमारी महिला कुश्ती लड़कियां जब आई थी तो उन्होंने उनका
स्वागत किया था, सम्मान किया था, बड़ी प्रसन्नता भी थी जब उनके साथ वो खा रहे थे। लेकिन तब दुख हुआ था जब उन्होंने उनके साथ अत्याचार हुआ था, उन महिलाओं के साथ, तब उन्होंने मौन व्रत धारण करके रखा था। अगर हम अगर अपनी महिलाओं को एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम अपनी बेटियों को जो बाहर से स्वर्ण पदक लेकर आते हो, दूसरे पदक लेकर आते हो, अगर हम उनको नहीं अपनी तरफ से, ये सदन के लिए शर्म की बात है कि यदि हम उनको अपनी तरफ से संरक्षण नहीं दे सकते तो बड़ी खेद की बात है। आज बात करते हैं कि हमने नीरज चोपड़ा को भेजा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जैवलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था? अभिनव बिंद्रा जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर, उसके पहले, शूटिंग के पहले जब किया था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया था या उसके एसोसिएशन फेडरेशन ने क्या किया था? मैं जानना चाहता हूं कर्णन मनीश्वरी जिसका नाम हटा दिया गया था टीम के ऊपर से, उस समय मैं पहली बार संसद 1999 बनकर इस पार्लियामेंट में आया था, 2000 की ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भेजने से पहले, आप उनके लिए क्या करते हैं? जीत के आने के बाद तो आप न जाने क्या क्या चीज उनको देते हैं जो मिलना भी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक पीवी सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या करती है? ऐसा सरकार को यह जवाब देना चाहिए, कौन सी प्रिपेयरनेस? आज एक बार कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की, हमारे देश की बेटी या बेटा अच्छा करके बाहर से आता है तो आप सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कैसे वो अच्छा बनकर आगे बढ़े उसके लिए क्या करते हैं? साइन में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। बड़े अच्छे सवाल उठाए कृति आजाद ने, क्रिकेटर है सभी जानते हैं, 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। इन्होंने जो सवाल उठाए हैं, अब सवाल यही है, यही मनु बाकर जिसने पहला मेडल दिलाया, देश को बड़ा गौरव का पल आया, खुशी का पल सभी मनाते हैं, अब है ना बड़े जो समझदार लोग है ना वो आएंगे, मेडल लिया है प्रधानमंत्री ने बधाई दी, इसमें सवाल उठाने की क्या बात है? बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, नहीं उठाना चाहिए सवाल, तो सवाल तब भी नहीं उठाना चाहिए जब उन मुनि पहलवानों में पहलवानों को रोड के ऊपर पुलिस घसीट रही थी, तब फोन नंबर गुम हो गया था प्रधानमंत्री साहब से या और कुछ हो गया था? यही मनु बाकर जिसके जिसने एक ट्वीट डाल लिया था कि मेरे को बड़ा गहरा दुख हो रहा है जो हमारी रेसलिंग साथी खिलाड़ियां महिलाएं उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तब इस मनु बाकर को क्या बोल लिया था हरियाणा के मंत्री ने कि मनु बाकर को माफी मांगनी चाहिए, उसके लिए सरकार कितना कुछ कर रही है और वो ऐसे सवाल कर रही है, मतलब कि सरकार से सवाल करना देशद्रोह में आ जाता है, आ जाता ना देशद्रोह में, इनके लिए कुछ भी करते रहो, इनके लिए गौरव के पल आएंगे तो बड़े सभाग के फोन भी नंबर मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब वो किसी कष्ट में होते हैं, किसी दुख में होते हैं, तब कोई नंबर नहीं मिलता, बड़े शर्म की बात है, बड़े ही शर्म की बात है। और ये शर्म की बात है ना नेताओं से ज्यादा इस जनता के लिए है, ये जो जनता मेरा नेता मेरी पार्टी मेरा फलाना मेरा ढिमकाना, डूब के मर जाओ तुम सभी। उस टाइम पे तो क्या था, वो सिर्फ जाट थे, सिर्फ जाट जाति के खिलाड़ी थे, जो पहलवान महिला पहलवान थी या जो पुरुष पहलवान थे, वो सिर्फ जाट हो गए थे, जाट हो गए थे। और ये कृत्या आजाद कर रहे ना कि खिलाड़ियों की कोई जात नहीं होती, लेकिन वहां पे जात बना दी गई थी, ये देखो जी जाट है इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, याद आया? तब भी उनकी मदद सिखों ने की थी, सिखों ने वहां पर लंगर लगाया था उन महिला पहलवानों के लिए, पुरुष पहलवानों के लिए सिखों ने लंगर लगाया था। क्या किया था सरकार ने? सरकार ने तो उनको रात को कुटिया और था, कुटिया और था। थोड़ी बहुत ना शर्म करो, भूलिया मत करो किसी बात को, तुम बोलते हो इसी का फायदा ही नेता लोग उठाते हैं। अभी आज फिर मेडल आ जाएंगे, आज फिर बधाई दे देंगे, फिर टेलीविजन के चला देखो प्रधानमंत्री साहब ने बधाई दे दी, चाट ले सर पदर का नाच ले इस बधाई ने, जब उनके लिए कुछ कर नहीं सकता तो सर पदर का नाच ले, किसानों को बधाई दे दी जी प्रधानमंत्री साहब ने, जो MSP मांग रहे हैं उस पर लाठिया जेड़ मिल रही है, बधाई दे दी। शर्म आती इस देश की जनता के ऊपर भी। आप लोग क्या राय राय रखना भाई दोस्त, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वो यूट्यूब चैनल बात तक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।